दोस्तों मैंने किया है पी फॉर ईस्ट डिग्री पर एलएमबी पोजीशन देख लो, तुर्क सेट 4A यानी कि 50 डिग्री इस पर सेट किया है मैंने 2 फीट में। अब एलएमबी पोजीशन डेडी फीट स्पेस ऐसे रहेगी दोस्तों। इसका रात को सिग्नल ज़्यादा मिलता है दोस्तों, रात में दिन में कम हो जाता है इसका सिग्नल, इसलिए मैंने रात को सेट किया है। आप एलएमबी पोजीशन देख लो। मैं इसका आपको सिग्नल दिखा देता हूँ। तुर्क सेट 50 डिग्री इस पर और इस रहे इसकी टीपी, और आप सिग्नल भी देख सकते हो। दोस्तों इसकी टीपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये रही इसकी टीपी तुर्क सेट की 50 डिग्री पर मैंने सेट किया है 2 फीट में, तुर्क सेट 50। ये दोस्तों 2 फीट का एंटीना है, और आप एलएमबी पोजीशन देख लो। और मैं सामने इसका रखता हूँ तो सिग्नल चला जाता है, आप खुद ही देख लो। दोस्तों इसका सिग्नल चला गया, अब मैं इसको ले लेता हूँ तो सिग्नल आ जाता है। अब हम चलते हैं टी तरफ और करते हैं ऑटो स्कैन। ये रही इसकी टीपी, आप टीपी भी नोट कर सकते हो, इसकी टीपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ एक ही टीपी आपको इस सेटेलाइट पे मिलती है, एक ही टीपी आपको सर्च करनी होगी स्प्लैश स्कैन। आप देखते हैं कितने चैनल मिलते हैं इस सेटेलाइट पे। ये आप टीपी भी नोट कर सकते हो, और हम करते हैं ब्लाइंड स्कैन एक ही टीपी पर। सिर्फ एक ही चैनल मिले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही तुर्क सेट के चैनल, बिल्कुल फिर चल रही। सिर्फ एक ही चैनल मिलेगी आपको तुर्क सेट 50 डिग्री पर।